हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 5th of October 2022। लेट्स बिगिन टुडेज इंपॉर्टेंट नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबुलिन आर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, ये आपको बताना है। ग्लाइकोप्रोटीन से, पॉलीसेकेराइड से, लिपोप्रोटीन से, एमिनो एसिड से। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लाइकोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। आइए इनसे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, उन्हें ही आप इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम शॉर्ट में आईजी लिख सकते हैं। अब यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इट इज अ प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ये प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड है। क्या है ये? प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड है। अगर इसके बाद एग्जामिनर और स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहे, तो आप बताएंगे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, ये पूछ लिया जाए आपसे, तो आप बताएंगे कि ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, प्राइमरी डिफेंस के रूप में काम करते हैं। बॉडी में प्राइमरी डिफेंस के रूप में ये काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, कोई ऐसा बैक्टीरिया, फंगस या वायरस एंटर हुआ जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स तुरंत इसे आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इसके ऊपर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि बॉडी को ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो याद रखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन को आप एंटीबॉडीज के रूप में भी जानते हैं। ये बेसिकली प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड्स हैं, या इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं। इनका काम है हमारे शरीर में डिफेंस को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। द नर्स इज कंडक्टिंग प्री नेटल क्लास ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन अ क्लाइंट इन द क्लास आस्क व्हाई द फर्टिलाइज्ड ओवम स्टेज इन फेलोपियन ट्यूब फॉर 3 days, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्यों शुरुआती पहले 3 दिनों में जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जायगोट है, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्यों रुकता है? क्यों 3 दिन फेलोपियन ट्यूब में रुकने के बाद फर्टिलाइज ओवम यहां से आगे यूट्रस की तरफ मूव करता है? इस चीज का रैशनल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन वन कहता है, इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम चांसेस ऑफ सर्वाइवल। फर्टिलाइज्ड ओवम जब यहां रुकता है, तो इससे इसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये सही कारण है? ऑप्शन टू कहता है, इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम्स एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहां फेलोपियन ट्यूब में रुकने के कारण इस जायगोट को
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का एक्सपोजर मिलता है, यानी कि इन हार्मोन्स के संपर्क में आता है ये, या फिर ऑप्शन थ्री, इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इन इज नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस। यहां पर रुकने के कारण ओवम का यूट्रस के टॉप पोर्शन में फर्टिलाइज सॉरी इम्प्लांट होने की संभावना बढ़ जाती है। 3 दिनों तक अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम फेलोपियन ट्यूब में रुकता है, तो इससे उसके सही जगह पर यानी यूट्रस के फंडस पार्ट में इम्प्लांट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन फोर कहता है, इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम्स एक्सपोजर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ऐसा होने से 3 दिन रुकने से इस फर्टिलाइज्ड ओवम को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का एक्सपोजर मिलता है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्यों फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम फैलोपियन ट्यूब में 3 दिन तक रुका रहता है? सबसे पहले ऑप्शन वन की हम बात करते हैं। देखिएगा, फर्टिलाइज्ड ओवम 3 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही रुक रहा है, तो इससे उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट गलत है। यहां रुकने से उसके सर्वाइवल के चांस नहीं बढ़ते हैं। ऑप्शन टू कहता है कि फर्टिलाइज्ड ओवम के फैलोपियन ट्यूब में रुकने का कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के संपर्क में आना है, जो कि गलत है। आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, आप इस बात को समझते हैं कि जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, प्लेसेंटा आदि के द्वारा सिक्रीट किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो यहां फेलोपियन ट्यूब में इसका एक्सपोजर नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। एस्ट्रोजन हार्मोन की बात की जाए तो ये भी ओवरी के द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, एड्रिनल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है, ना कि फेलोपियन ट्यूब का। तो इन दोनों ही हॉर्मोन्स का एक्सपोजर यहां नहीं मिल सकता, तो ये ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, इट प्रमोट फर्टिलाइज्ड ओवम्स एक्सपोजर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन का एक्सपोजर मिलेगा, इसलिए यहां वो रुकता है। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ना कि फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। फाइनली आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट या ओवम फेलोपियन ट्यूब में 3 दिन तक रुकता है, तो उसके उसका कारण है कि जो इस ट्यूबल इस्तमस है वो शुरुआती 3 दिनों तक क्लोज रहती है, और उसके बाद ये ओपन होती है। फिर इस ओवम का फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट शुरू होता है, राउंडिंग मूवमेंट शुरू होता है, और ये यहां से चलते हुए यूट्रस के फंडल पोर्शन तक पहुंचता है और वहां जाकर इम्प्लांट होता है। अगर फर्टिलाइज्ड ओवम तुरंत ही फर्टिलाइजेशन के बाद मूव कर जाएगा यूट्रस की तरफ, तो इसके राइट लोकेशन पर जाकर इम्प्लांट होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 5 से 6 दिनों के बाद इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू होता है, जो कि 11वें दिन जाकर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से यहां से ये सभी टर्म्स, ये सभी कॉन्सेप्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When speaking to a group of junior high school students about first aid, the nurse explains there is a universal sign indicating choking and asks if any student knows what it is, which student response is correct. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई चीज खा ली, निगल ली, स्वेलो कर ली जो कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर अटक गई, जिसके कारण उसे चॉकिंग हो गई। चॉकिंग का मतलब है किसी सब्सटेंस का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया में जाकर फंस जाना, जिसके कारण पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत रहे। तो आपको इस चॉकिंग के होने पर यूनिवर्सल साइन कौन सा होता है ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है माउथ ओपन, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग इन। चॉकिंग होने पर पेशेंट अपने मुंह को खोलकर इंडेक्स फिंगर द्वारा इशारा करेगा कि अंदर कुछ है। ऑप्शन बी कहता है हैंड ऑन द नेक ओवर थ्रॉट एरिया। पेशेंट अपनी गर्दन पर गले के पास अपने हाथ को रखेगा। ऑप्शन सी कहता है हैंड क्रॉस एट नेक। पेशेंट अपने दोनों हाथों को क्रॉसली प्लेस करते हुए नेक को पकड़ेगा। ऑप्शन डी कहता है माउथ ओपन, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग एट ईच साइड ऑफ नेक। पेशेंट अपना मुंह खोलकर अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर द्वारा गले में कुछ होने को इशारा करेगा। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा साइन देखकर आप तुरंत ये अंदाजा लगा लेंगे कि पेशेंट में चॉकिंग हुई है? The right answer is option C, hands cross at the neck. देखिएगा आप हॉस्पिटल के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पर हैं, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट बहुत ज्यादा घबराया हुआ आया और उसने अपने दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ रखा है, हाथों को क्रॉस्ड वे में रख रखा है। तो इस प्रकार से अगर आप इस क्लाइंट की पोजीशन कभी भी देखें तो तुरंत समझ जाइएगा कि इसे चॉकिंग हुई है, इसके गले में कोई ना कोई सब्सटेंस फंस गया है। तो याद रखेंगे आप यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग के रूप में हम हैंड्स क्रॉस्ड एट द नेक को मानते हैं, अपने दोनों हाथों को क्रॉस्ड पोजीशन में रखते हुए गर्दन को यदि क्लाइंट ने पकड़ा है तो ये यूनिवर्सल साइन है जो कि चॉकिंग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट हु इज एट 38 वीक्स गेस्टेशन एंड नोट्स दैट द फीटल हार्ट रेट इज 174 बीट्स पर मिनट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक 38 वीक की प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती है और आप जब उसका फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं तो वो 174 बीट्स पर मिनट मिलता है। इस फाइंडिंग के बिहाफ पर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे ज्यादा जरूरी या सबसे पहले आप क्या करेंगे। ऑप्शन वन कहेगा डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। ऑप्शन बी कहता है मदर की हार्ट रेट को चेक करेंगे। ऑप्शन थ्री कहता है डॉक्टर यानी ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन फोर कहता है कि हम क्लाइंट से कहेंगे कि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको बच्चे की हार्ट रेट प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल कितनी होती है ये पता होना चाहिए।
The right answer is option 3. यहां पर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की यदि बात की जाए तो आएगा नोटिफाई द डॉक्टर. हम डॉक्टर को ऑब्स्टेट्रिशियन को तुरंत इंफॉर्म करेंगे कि बच्चा डिस्ट्रेस में है. अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीटल हार्ट रेट कितनी होती है ये आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 120 से लेकर 160 के बीच में. 120 to 160 beats per minute is the normal fetal heart rate. अब यदि heart rate 120 से कम हो या 160 से ज्यादा हो, दोनों ही situation के अंदर abnormal situation होती है, यानी कि fetal जो है distress में होता है. अगर heart rate 120 से कम हो जाए या फिर 160 से ज्यादा हो जाए तो ये दोनों ही रीडिंग्स एबनॉर्मल है और इस बिहाव पर हम कह सकते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम में है, फीटल डिस्ट्रेस में है. और हमारी प्रायोरिटी यहां पर रहेगी कि हम तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें. ऑप्शन 1 कहता है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग. हम सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, ये एबनॉर्मल है इसलिए इसे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना आवश्यक है. मदर की हार्ट रेट को चेक करने से यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है. इसके अलावा टेल द क्लाइंट फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मल, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नॉर्मल होती अगर हार्ट रेट बच्चे की तो वो 120 से 160 के बीच होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस क्या होता है ये आपको बताना है. एब्डोमिनल पेन, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टिफनेस ऑफ नेक या फिर ल्यूकोपीनिया. The right answer is option D. Leukopenia शब्द का मतलब होता है कि WBC का काउंट कम हो जाना, WBC काउंट डिक्रीज. अगर किसी क्लाइंट के शरीर में वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी WBC की संख्या नॉर्मल से कम होने लगे तो ये कंडीशन ल्यूकोपीनिया कहलाती है. और इसी WBC के अंदर ग्रेन्युलोसाइट नाम का एक सेल पाई जाती है, उसकी यदि कमी हो जाए तो वो कंडीशन भी ल्यूकोपीनिया ही है. आइए इस चीज को इस क्लासिफिकेशन चार्ट के द्वारा आपकी क्लियर कर दें. काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है ये. हमारे शरीर के अंदर अगर नॉर्मल WBC काउंट यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 4000 से 11000 के बीच होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है. अब इस WBC को हम दो प्रकार की सेल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहली जो सेल है वो है ग्रेन्युलोसाइट और फिर आती है ए ग्रेन्युलोसाइट. इस ग्रेन्युलोसाइट के अंदर भी तीन प्रकार की सेल्स होती हैं. सबसे पहले है बेसोफिल, फिर है इओसिनोफिल और फिर आता है न्यूट्रोफिल. इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था आपसे कि ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस क्या होता है. ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस यानी कि अगर ग्रेन्युलोसाइट सेल का निर्माण यदि बंद हो जाए तो ये कंडीशन ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस कहलाती है. और ए ग्रेन्युलोसाइट क्या है आप जान चुके हैं. ए ग्रेन्युलोसाइट क्या है आप जान चुके हैं. ग्रेन्युलोसाइट एक टाइप की WBC है. इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो WBC का सेकंड टाइप आता है ए ग्रेन्युलोसाइट. इसके अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो प्रकार की सेल्स होती हैं. लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा पूछी जाती है. लिम्फोसाइट के दो प्रकार हैं, बी टाइप लिम्फोसाइट एंड टी टाइप लिम्फोसाइट. हमारे शरीर में जो बी टाइप लिम्फोसाइट सेल्स हैं
वो हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, जबकि टी टाइप की जो लिम्फोसाइट्स हैं वो हमें सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। ये चीज प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। होपफुली अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द सीरम इज, सीरम में सबसे ज्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? IgA, IgG, IgE, IgM। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारी बॉडी के अंदर IgG, IgA, IgM, IgE, IgD कुल 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, जिनमें IgG जो है सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है। ये कुल इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 80% होता है। तो हम कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज अ मैक्सिमम प्रेजेंट इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप इन द सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। द नर्स इज चेकिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन एंड प्लानिंग केयर फॉर अ 110 pound चाइल्ड आफ्टर स्पाइनल फ्यूजन। मॉर्फिन सल्फेट 8 mg सबक्यूटेनियसली एवरी 4 hourly फॉर पेन इज प्रिस्क्राइब्ड। द पीडियाट्रिक मेडिकेशन रेफरेंस स्टेट दैट सेफ डोज इज 0.12 0.2 mg पर केजी पर डोज एवरी 3 to 4 hours। फॉर दिस इंफॉर्मेशन द नर्स डिटरमाइन व्हाट अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, गौर कीजिएगा। एक बच्चा है जिसमें स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की गई। इस बच्चे का वजन 110 पाउंड के करीब है। इस बच्चे में इस सर्जरी के बाद मॉर्फिन सल्फेट दिया जा रहा है सबक्यूटेनियस रूट से हर 4 घंटे में पेन को कंट्रोल करने हेतु, और इसकी डोज है 8 mg। अगर पीडियाट्रिक मेडिकेशन रेफरेंस रेंज की बात की जाए, जो स्टैंडर्ड रेंज होती है मॉर्फिन सल्फेट की बच्चों में, उसमें यह बताया गया है कि हम किसी भी बच्चे को हर 3 से 4 घंटे में 0.1 से 0.2 mg पर केजी पर डोज तक ही मॉर्फिन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या इस डॉक्टर द्वारा यहां जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है 8 mg 3 to 4 hourly सबक्यूटेनियसली, तो क्या वो सही है? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। किसी भी बच्चे को आप 0.1 से 0.2 mg पर केजी पर डोज हर 3 से 4 घंटे में दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यहां पर डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है 8 mg एवरी 4 hourly फॉर 110 pound चिल्ड्रन। तो क्या ये डोज कम है, क्या ये ज्यादा है, या ये नॉर्मल है, ये आपको बताना है। क्या ये डोज लो है, क्या ये डोज हाई है, क्या ये डोज रेंज के अंदर है, सेफ है, या फिर ये इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है जिससे कि हम ये निर्धारित कर सकें। बहुत ही सिंपल सी चीज है,
क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर आप कभी मत घबराइएगा। जनरली आपसे बहुत ही बेसिक चीजें ऐसे क्वेश्चंस में पूछी होती हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। आइए इस बच्चे के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल डोज कैलकुलेट करते हैं जो कि इस रेफरेंस रेंज के अनुसार होनी चाहिए। सबसे पहले हम बच्चे का वजन जो कि 110 पाउंड है, 110 एलबीएस है, इसे केजी में कन्वर्ट करते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि 1 केजी इक्वल्स 2.2 एलबीएस। पाउंड को हम एलबीएस से नोट करते हैं, तो यहां पर 110 पाउंड को अब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 2.2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 50 केजी। यानी कि जिस बच्चे के लिए हम बात कर रहे हैं, इस बच्चे का वजन लगभग 50 केजी है। अब इस बच्चे में जो स्टैंडर्ड डोज होनी चाहिए उसे कैलकुलेट करते हैं। डोज के लिए यहां देखिए बताया गया है कि 0.1 से 0.2 केजी, 2 एमजी पर केजी पर डोज। तो यहां पर बच्चे का वजन है 50 केजी और बच्चे के लिए मैक्सिमम डोज हो सकती है 0.2 एमजी पर केजी। तो आप जब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो आपके पास आएगा 10 एमजी। यानी कि आप इस 50 केजी के बच्चे को 4 घंटे में एक बार मैक्सिमम 10 एमजी मॉर्फिन दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दिया है कि 8 एमजी सबक्यूटेनियसली 4 आर में देना है। तो ये जो वैल्यू डॉक्टर द्वारा बताई गई थी आपको बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन सी को हम यहाँ, ऑप्शन 3 को हम यहाँ सही मानेंगे। द डोज इज विद इन द सेफ डोज रेंज। 50 केजी का बच्चा है, 0.2 एमजी की डोज मैक्सिमम दे सकते हैं। तो डोज कैलकुलेट करने के लिए इसे 50 केजी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 एमजी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ प्रीटर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉर मैनिफेस्टेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। द नर्स शुड मॉनिटर द इन्फेंट फॉर विच मैनिफेस्टेशंस। एक बच्चा जिसका जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले ही हो गया है, यानी कि प्रीटर्म बेबी है, और इस बच्चे के अंदर लंग्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, तो इस बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की फाइंडिंग्स को बताते हो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने पर किसी भी प्रीटर्म बेबी में कौन कौन से सिम्टम्स या साइंस देखने को मिलेंगे, ये आपको डिसाइड करना है, सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 कहता है एक्रोसाइनोसिस, एम्फाइसीमा, इंटरस्टीशियल एडिमा। ऑप्शन 2 कहता है एक्रोसाइनोसिस, एपनिया, न्यूमोथोरैक्स, ग्रंटिंग। ऑप्शन 3 कहता है बैरल शेप्ड चेस्ट, एक्रोसाइनोसिस, ब्रैडीकार्डिया। ऑप्शन 4 कहता है साइनोसिस, टैकिपनिया, रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, नेजल फ्लैरिंग।
The right answer is option 4. अगर न्यूबॉर्न बेबी को साइनोसिस है, टैकिपनिया है, रिट्रैक्शंस हो रहे हैं, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन है, नेजल फ्लैरिंग है, तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने को इंडिकेट करती है। इस क्वेश्चन की शुरुआत के अंदर एक्रोसाइनोसिस वर्ड यूज किया गया है। एक्रोसाइनोसिस क्या है इसे नोट कर लीजिएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट। और ये जो कंडीशन है ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम को बताती है, या यूं कहिए इमैच्योर पेरिफेरल सर्कुलेशन को बताती है। अगर बच्चे के हाथ और पैरों की ब्लड वेसल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, बन नहीं पाई है, तो यहाँ के टिश्यूज तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई ना पहुंचने के कारण शरीर के ये हिस्से नीले रहेंगे, ब्लू कलर के डिस्कलर्ड हो जाएंगे, और इसी कंडीशन को हम एक्रोसाइनोसिस कहेंगे। तो एक्रोसाइनोसिस कंडीशन पेरिफेरल इमैच्योर सर्कुलेशन को बताती है। सो इस ऑप्शन के प्रेजेंस के कारण हमने तीनों ऑप्शंस को गलत माना। अब साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, टैकिपनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेस्पिरेशन, रिट्रैक्शन का मतलब होता है एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ग्रंटिंग का मतलब होता है एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, और नेजल फ्लैरिंग का मतलब होता है रेस्पिरेशन के समय जो हमारे नाक के नथुने हैं, नॉस्ट्रिल के ऊपर वाला ये हिस्सा है, इसके अंदर फुलावट आना, नेजल फ्लैरिंग कहलाता है। सो ये सभी फाइंडिंग्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज अकर्स एज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, इनमें से किस एंटीबॉडी की पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है, IgA, IgM, IgG, IgE, IgM, कौन सा एंटीबॉडी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला होता है? यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आइए IgM के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लें जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। IgM की जो स्ट्रक्चर है वो पेंटामेरिक होती है। इसके अलावा इसे पेंटामेरिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की 5 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसे याद रखने के लिए आप एक स्ट्रक्चर का डायग्राम बना लीजिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं IgM की, तो M को आप इस प्रकार से यहां पर बड़ा बनाएं और फिर इसके अंदर 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट्स को लगा दीजिए। 1 एक इस कोने पे लगा दें, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे। तो अब याद रखिएगा इम्यूनोग्लोबुलिन जो M है उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की 5 सब यूनिट्स होती हैं, जो कि M लिखकर हमने इसके 5 कोनों पर लगा दिया और इसी कारण इसे पेंटामेरिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ये आपके लिए एक ट्रिक की तरह है, ये कोई
परमानेंट चीज नहीं है, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस, आपके याद रखने के लिए है ये, इस तरह से आप इसे अब भूलेंगे नहीं। इसके अलावा यहां से इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पूछा जा सकता है, नोट करिएगा, इसे हम मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, मिलेनियर मॉलिक्यूल, इसे हम मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज हैवी मॉलिक्यूल और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लें आप, मॉलिक्यूलर वेट 90,000 to 1 lakh, 90,000 to 1 lakh, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ IgM। ये सारी जानकारी IgM के बारे में है और इंपॉर्टेंट भी है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ पीपीई, पीपीई किट जो आप सभी ने कोरोना के दौरान भी काफी ज्यादा यूज किए थे और हॉस्पिटल्स के अंदर एज यूजुअल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है पेशेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन सी पर्सनल प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट, ऑप्शन डी प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बहुत ही बेसिक चीज है, होपफुली अब आप इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे, सही जानते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एनेस्थीसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन डिसअपीयर्स एट लास्ट। जनरल एनेस्थीसिया जो कि सर्जरी से पहले क्लाइंट को अनकॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे देने के बाद क्लाइंट में कौन सा सेंसेशन सबसे आखिरी में डिसअपीयर होता है, कॉन्शियसनेस, प्यूपिल रिस्पॉन्स, हियरिंग या फिर पेन रिस्पॉन्स। The right answer is option C, hearing. General anesthesia देने के बाद व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो है सबसे आखिरी में खत्म होती है। Option C is correct here. General anesthesia mostly inhalation और injection के through दिए जाते हैं। इनहेलेशन का मतलब है पेशेंट को गैस फॉर्म में जनरल एनेस्थीसिया सुंघाया जाता है और फिर पेशेंट बेहोशी की स्टेट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट्स वुड बी बेस्ट फॉर द क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विथ गैस्ट्रिक रिसेक्शन। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस पेशेंट को सेलेक्ट करना है जिसे हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी के पेशेंट के साथ रूम में रख सकते हो। गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी के बाद इनमें से किस कंडीशन वाले पेशेंट को इसके साथ रखा जा सकता है, क्रोहन्स डिजीज के पेशेंट को, निमोनिया वाले पेशेंट को, गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को या फिर फ्लेबाइटिस वाले पेशेंट को।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लाइंट विथ फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल। आइए वन बाय वन इन सभी ऑप्शंस को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेबाइटिस वाले पेशेंट की, फ्लेबाइटिस नामक कंडीशन की। फ्लेबाइटिस के बारे में आप चाहे तो नोट कर लें, फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल, और ये इंफेक्शियस डिजीज नहीं है, यानी कि गैस्ट्रेक्टॉमी वाले पेशेंट को, गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट को यदि फ्लेबाइटिस वाले पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, रूम में शिफ्ट कर दिया जाए, तो इस पेशेंट से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ्लेबाइटिस कंडीशन ब्लड वेसल का इन्फ्लामेशन है जो कि किसी भी प्रकार का इंफेक्शन स्प्रेड नहीं कर रही है। सो ऑप्शन डी को हमने यहां पर सही माना है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर जो यहां पर गैस्ट्रिक रिसेक्शन टर्म दी गई है, इसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन प्रोसेस को हम कई बार गैस्ट्रेक्टॉमी के नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रेक्टॉमी। और गैस्ट्रेक्टॉमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टमक। सर्जरी के द्वारा पार्ट ऑफ स्टमक को रिमूव करना। गैस्ट्रेक्टॉमी वह प्रोसीजर है जिसमें हम स्टमक के किसी डिजीज्ड पोर्शन को काट कर हटा देते हैं। इस गैस्ट्रेक्टॉमी प्रोसीजर का इस्तेमाल हम कैंसर के ट्रीटमेंट में, नोट कर लीजिएगा आप इसे, गैस्ट्रेक्टॉमी जो सर्जरी है इसका इस्तेमाल गैस्ट्रिक कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जा सकता है, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में किया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी बैरियाट्रिक प्रोसीजर्स होते हैं उसमें किया जा सकता है। इस क्लास में जितना भी डाटा आपको दिया जा रहा है उसे आप नोट करें, सुने, वीडियो को दोबारा देखें और अपने नोट्स बनाएं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी डाटा आप कोशिश कीजिए कि हाथों हाथ इसे आप याद रख सकें। कुछ इस प्रकार से हम इस क्लास को डिजाइन करते हैं। गैस्ट्रिक रिसेक्शन को हम गैस्ट्रेक्टॉमी प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, और गैस्ट्रेक्टॉमी प्रोसीजर अगर किसी क्लाइंट में स्टमक का कोई कैंसर हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, या फिर वजन कम करने वाली जो बैरियाट्रिक सर्जरीज होते हैं उसमें किया जाता है। गैस्ट्रेक्टॉमी प्रोसीजर में पेशेंट के स्टमक का जो अफेक्टेड पार्ट है, इन्फेक्टेड पार्ट है, कैंसरस पार्ट है, उसे सर्जरी द्वारा काट कर हटा दिया जाता है। और गैस्ट्रेक्टॉमी प्रोसीजर के बाद पेशेंट में जो रिकवरी टाइम होता है वो अदर एब्डोमिनल या गैस्ट्रिक सर्जरीज के मुकाबले ज्यादा होता है, यानी पेशेंट को हमें लंबे समय तक इंफेक्शन से बचाना होता है, क्योंकि इस गैस्ट्रेक्टॉमी सर्जरी के बाद रिकवरी टाइम ज्यादा होता है। होपफुली अब आप शायद कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि हमें ऐसे किसी भी पर्सन के साथ इस पेशेंट को नहीं शिफ्ट करना है जिसे किसी प्रकार की इंफेक्शियस कंडीशन हो। अब हम बात करते हैं क्रोहांस डिजीज। आपने इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज का नाम सुना होगा, जिसमें इंटेस्टाइन के अंदर इंफ्लामेशन हो जाती है जिसके कारण पेशेंट को लगातार डायरिया रहता है, और डायरिया होने के कारण ये अपने पड़ोसी पेशेंट को इंफेक्शन दे सकता है। इसलिए हम क्रोहन्स डिजीज के पेशेंट के साथ इस पेशेंट को शिफ्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा
निमोनिया के पेशेंट के अंदर लगातार कफिंग एपिसोड्स होंगे, उसे बहुत ज्यादा खांसी आएगी, ये हमारे पेशेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इसे हम इस पेशेंट के साथ नहीं शिफ्ट करेंगे। डिस्टर्बेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन ऑल्सो। इसके बाद यदि बात की जाए तो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट, गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि स्टमक एरिया के अंदर म्यूकोजल लेयर में इंफ्लामेशन का होना, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, जो कि आगे अपने पड़ोसी पेशेंट में इंफेक्शन का ट्रांसमिशन कर सकता है, इसलिए हम गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट के साथ शिफ्ट नहीं करेंगे। होपफुली ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवम और स्पर्म से अक्सर पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करें ओवम, इट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल बॉडी। स्पर्म के बारे में यदि कहा जाए तो ये मेल्स के अंदर स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है। ओवम जो है नॉन मोटाइल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में मौजूद फ्लैजेला इसे मूव करवाते हैं और इम्प्लांटेशन साइट तक पहुंचाते हैं। स्पर्म के बारे में बताया जाए तो ये हाईली मोटाइल होते हैं, यानी बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। स्पर्म का जो टेल पोर्शन होता है उसके अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो इसे हाईली मोटाइल बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करवाता है। सबसे ज्यादा ओवम और स्पर्म के वायबिलिटी पीरियड को पूछा जाता है। याद रखिएगा, ओवम का वायबिलिटी पीरियड होता है 12 से 24 घंटे। ओव्यूलेशन होने के बाद, यानी मैच्योर स्पर्म का रिलीज होने के बाद, ये 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है, और इस जीवन काल में यदि ये स्पर्म के कांटेक्ट में आए तो फर्टिलाइजेशन होना संभव है। स्पर्म की बात की जाए तो इजेक्यूलेशन के बाद 48 से 72 घंटे तक, यानी 2 से 3 दिन तक ये सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रहते हैं। ओवम के अंदर क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनमें से इनके जो नंबर्स की बात की जाए तो 22X, यानी कि फीमेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल के अंदर 22X या Y दोनों में से कोई भी हो सकता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉर्ट सफलिंग गेंट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें पेशेंट शॉर्ट सफलिंग गेंट शो करता है, यानी कि छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए चलता है। गेंट का मतलब होता है चाल, यानी चलने का तरीका। शॉर्ट सफलिंग गेंट, छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए चलना। क्या ये अल्जाइमर्स डिजीज में देखने को मिलेगा? क्या ये पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलेगा? क्या ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन में देखने को मिलेगा, या क्या ये माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन में देखने को मिलेगा? यस, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। शॉर्ट सफलिंग गेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग सीन इन पार्किंसंस डिजीज। आइए पार्किंसन डिजीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लें। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अ डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट मूवमेंट इंक्लूडिंग ट्रिमर्स। पार्किंसन डिजीज
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज है जिसमें व्यक्ति को ट्रिमर्स आते हैं और मूवमेंट प्रभावित होती है। नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन कॉजेज डोपामाइन लेवल टू ड्रॉप लीडिंग टू द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्किंसन रोग होने पर किस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बॉडी में कम हो जाता है? तो आप बताएंगे डोपामाइन। डोपामाइन, डोपामाइन हमारी ब्रेन सेल्स के द्वारा बनाया जाता है और पार्किंसन डिजीज के अंदर जब नर्व सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। नेक्स्ट, पार्किंसन ऑफ्टन स्टार्ट्स विद ट्रिमर इन वन हैंड। अदर सिम्टम्स आर स्लो मूवमेंट, स्टिफनेस, लॉस ऑफ बैलेंस। पार्किंसन डिजीज की शुरुआत में व्यक्ति के एक हाथ में ट्रिमर्स आते हैं। ट्रिमर्स का मतलब है हल्की हल्की कंपन लाइक मूवमेंट, जो कि फिर धीरे धीरे पेशेंट में स्लो मूवमेंट, स्टिफनेस यानी अकड़न और बॉडी बैलेंस नहीं रख पाना जैसे सिम्टम्स के साथ आने लगती है। इस डिजीज से अक्सर पूछे जाने वाला एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस का मतलब होता है जब कभी आपने किसी पर्सन को देखा होगा जिसने कोई मास्क लगा रखा हो, चेहरे पे कोई मुखौटा लगा रखा हो, तो उस मुखौटे को पहनने के बाद पेशेंट के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस हैं वो नहीं देखता। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मुखौटा या मास्क पहन लेता है तो मास्क जो होता है एक्सप्रेशन लेस होता है, उस पर ना तो खुशी का भाव होता है ना ही दुख का अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से पार्किंसन वाले पेशेंट का चेहरा होता है ना तो वो खुश दिखाई देता है और ना ही परेशान दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे नहीं होता, इसीलिए मास्क लाइक अपीयरेंस ऑफ फेस इसे कहा जाता है और ये पार्किंसन डिजीज से संबंधित है। मेडिकेशन कैन हेल्प टू सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामाइन की कमी हो जाती है तो इसके ट्रीटमेंट में हम लेवोडोपा नाम की मेडिसिन देते हैं जो कि डोपामाइन की कमी को पूरा करती है और इसके सिम्टम्स को ट्रीट करती है। होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे नोट कर लें। पार्किंसन डिजीज से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट्स पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।